आपने जो बोला था कि लगातार करते रहो ध्यान, तो मैं वो बताना चाह रही हूँ, सही है कि नहीं बताएं। सही है? नहीं सही है, मतलब समझ नहीं आया क्या सही है। जो ध्यान किया वो अनुभव मैं आपको बता रही हूँ, बस जल्दी से बता रही हूँ, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। हाँ मैं इधर शादी में आई ना, तो हाँ ना मैं दवाई नहीं लाई, मतलब हमेशा दवाई का पैकेट रखना चाहिए, तो कितना रखें कितना नहीं समझ नहीं आता है। हाँ तो एक बच्चा था वो करीब 12-13 साल का, वो धूप में शायद घुमा होगा पता नहीं, एकदम बेचैन होके घूम रहा था। तो मैं बोली बेटा क्या हुआ, मुझे नींद ही नहीं आ रही है, घूमता रहता हूँ तो अच्छा लगता है, जैसे ही बैठता हूँ चक्कर आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने उसको नींबू पानी दिया 1 गिलास, फिर बोला अच्छा लगा, नहीं और लेना है और पीना है, तो हाँ ठीक है और दिया, फिर भी अच्छा नहीं लगा बोला। तो मैं दूसरे नींबू के गिलास में, पता नहीं मेरे दिल में क्या आया, मैं ना अचानक मेरे को उसका लक्षण दिया कि इसको रस्टॉक्स लगेगा करके, तो रस्टॉक्स 30 का नाम लिया, उस नींबू पानी में माँ का ध्यान किया, बोले अगर मैंने जरा भी सच्चा ध्यान किया हो माँ, इसमें वो शक्ति डाल देना रस्टॉक्स 30 का। और मैं उसको ऐसे बोल करके उसको पानी दे दी, और पता नहीं टीचर लोगों ने मुझे सिखाया, गुरु लोगों ने, कि उसके हाथ में मैंने रस्टॉक्स 30 लिख दिया, अच्छा उसके हाथ में पेन से रस्टॉक्स 30 लिखा, और उस पानी में उसका रस्टॉक्स 30 का एनर्जी डाला और उसको दे दिया पीने के लिए, जो भी होगा माँ तू देख लेना। जैसे पिया ना उसको डकार आया, फिर बोला अरे मैं पानी पिया ना मेरे को डकार आया, मेरे को आराम महसूस हुआ, ऐसे बोला। मेरे मुंह से पता नहीं कैसे निकल गया कि ए लो पानी पी लो तुम ठीक हो जाओगे, मुझे नहीं मालूम कैसे बोली मैं, लेकिन मैं बोलती तुम ठीक हो जाओगे। और जैसे पानी पिया उसको डकार आया, फिर बोलता है मेरे को नींद आ रही है, 1 मिनट भी नहीं सो रहा था, 2 घंटे से घूम रहा था और वो सो गया चुपचाप। ऐसा होता है क्या? तुम अपने आप सोचो ना, जो तुम्हारे सामने है वो क्या हुआ, क्यों मुझे हुआ, ये तो यकीन ही तुम्हें नहीं खुद हो को रहा है, सोचना है ना, मुझे थोड़ी बताना है आपको। वो सो गया। उसके बाद मैं उसको पूछी बेटा कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आश्चर्य हो गई, मैं मजबूर हो गई, मेरे पास दवाई नहीं है तो मैं क्या करूं, तो मैंने सुना है तो वो कर दिया मैंने कि चलो देखते हैं करके। तो क्या ऐसा होता है, यही पूछना है। नहीं, तुम बताओ ना, तुम जब ध्यान कर रही हो सहज योग का, तो तुमने उसको किस आधार पे ये सब माँ से के बारे में कह के बात करी थी उस बच्चे से? मैंने कहा माँ ये बच्चे को देख के मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, कितना बेचैन है माँ, अगर दवा सही होगी रस्टॉक 30 तो इसमें अपनी एनर्जी डाल देना, मैं इसको दे रही हूँ, ऐसे बोल करके रस्टॉक 30 3 बार बोला और उसको दे दिया और हाथ में लिख दिया। नहीं, वो तो ठीक है, मैं ये समझ, तुमने जो प्रार्थना करी श्री माता जी निर्मला देवी से करी ना, हाँ ठीक है, तो यानी हाँ तुम्हें उन पे कुछ विश्वास था कि वो करेंगी इस काम को? हाँ वो पता नहीं, लेकिन मैंने बोल दिया, नहीं तो बिना विश्वास के ही बोल दिया। विश्वास तो था। हाँ था, हाँ, तो विश्वास बोल दिया, माने सुन ली तुम्हारी बात, उसको एक्शन भी दे दिया, बिना दवाई के ही दवाई का काम हो गया। तो आप ये बताओ ना, अब आपको समझ क्या आया कि माँ निर्मला देवी कौन है? अरे यही तो समझने के लिए मैं आपसे फोन लगाई हूँ कि क्या भाई, है। मेरे से मत समझो, अपनी भी अकल थोड़ी लगाओ। अगर आप उनसे प्रार्थना करते हो और बिना दवाई के भी दवाई का इफेक्ट आ जाता है, तो फिर वो कौन हुई? थोड़ा ये अकल से सोचो जरा, अपनी अकल से। नहीं तो मेरा इतना लाइफ लायक हो गई कि मेरी माँ प्रार्थना सुन ली, ये विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। हाँ, मतलब आपको अपने पे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इस लायक हो गई हूँ? हाँ, हाँ क्या समझ मैं आ गया इतना ना? सच्चे दिल से मैं पुकार सकती हूँ माँ को? हाँ, पुकार सकते हो तो माँ को, माँ ने ये, मतलब जो भी चमत्कार हो रहे हैं ये इसीलिए हो रहे हैं कि आपको समझ आ जाए कि श्री माता जी निर्मला देवी परमात्मा है और वो आपको शक्तिशाली गुरु बना रही हैं। अरे बाप रे क्या हाँ, बोल रहे हैं आप, कितना हाँ, इसलिए ये चमत्कार हमारे लाइफ में होते हैं, इसलिए आपको पूरी श्रद्धा से रेगुलर ध्यान करना होता है। इसीलिए तो कहता हूँ मैं, रोज सहयोग करो, सहयोग करो, सहयोग करो, सबको इसीलिए कहता हूँ कि माँ आपको गुरु बना रही है, बड़े से बड़ा गुरु, जो पृथ्वी पे अभी तक पैदा नहीं हुए उनसे बड़ा गुरु बना रही है। ये सच सच है। अब तुम अपने सामने देख लो, तुम्हारी घटना से हुआ नहीं हुआ?
आपको यकीन है ऐसे घटना होता है? ऐसे हजारों घटनाएं रोज ही होती है। अरे बाप रे, हमने दो दो मिनट में कैंसर, बिल्कुल गैलोपिंग कैंसर सही होते देखे। माँ की प्रार्थना से? हाँ, अरे पर वो तभी होगा जब आपका और माँ का कनेक्शन प्रॉपर बना रहेगा ध्यान करके, और आपको विश्वास होगा माँ पे। परसों ना मैं बहुत टूट गई थी, बहुत ज्यादा टूट गई थी। मैं 3 दिन रात सोई नहीं, इतना दुख में डूब गई थी। तो मैं रो रो के माँ से प्रार्थना करी कि माँ, और ना वो वाला जो आपने रियलाइजेशन वाला ध्यान रात भर किया मैंने, माँ तो कैसे नहीं सुनेगी मेरे को, शांति कैसे नहीं देगी मेरे को, हाँ, ऐसे बोल बोल के मैं रात भर सोई नहीं, और रात भर रियलाइजेशन पागलों जैसे कर रही थी एकदम रात भर। उसके तुमने बाद ना सुना नहीं मेरे मन में सुना? ना झाड़स आया मेरे मन में उसके बाद से। हाँ, और फिर ये चमत्कार आपको दिखा दिया उन्होंने अगले दिन, तो ये आपको सिद्ध कर हो जाता है ना कि माँ ही सृष्टि की रचयिता है, परमात्मा है, और वो आप उनको पुकारोगे, वो आपको सुनेंगी आपकी, और आपको भी शक्तिशाली बना रही है धीरे धीरे वो। मैं तो मृत्यु के द्वार पर, सुसाइड के द्वार पर चली गई थी, वहां से वापस आई हूं मैं। हाँ, तो बस इतना बड़ा चमत्कार, अब फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि माँ परमात्मा है, तो इतना विश्वास तो करना चाहिए ना, अविश्वास की क्या बात है इसमें। इसीलिए तो आपसे इतने बड़े बड़े पूछा चीजें, घटनाक्रम, इसीलिए मैं सबको सहयोग करने की सलाह देता हूँ। सर, मैं अच्छी होम्योपैथी डॉक्टर बन पाऊंगी क्या? माँ से बात करो, माँ से वो पूछू? बनाना, पूछना किस लिए, बनाना उन्होंने ही है, बनाना तो उन्होंने ही होता है। बहुत ठोकर खाई हूँ जीवन में, लेकिन अपने आप को मैं साबित करना चाहती हूँ कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। ठीक है, अभी तो आपको अब समझ आया कि आप माँ परमात्मा है और माँ आपको शक्तिशाली बना रही है, पर ये प्रोसेस जारी तभी रहेगा जब आप इस बात को स्वीकार करोगी और रोज ध्यान करोगी घर पे, और हफ्ते में एक दिन सेंटर पे जाके ध्यान करोगी, तो ये सब चालू होगा, नहीं तो बाद में खत्म हो जाएगा अगर आप हाँ इसको समाज के लिए यूज नहीं करोगी तो। जी ठीक है, जी जी हो गया? जी हाँ हो गया। अभी बहुत कितने दिन से धन्यवाद। सहयोग शुरू किया आपने? नहीं, मैंने आपको फर्स्ट बार वीडियो के लिए बोला था, उसी दिन से शुरू किया है बस। ऐसे मुझे याद नहीं होता, मैं बहुत सारे लोगों से बात मुश्किल से करता अभी हूँ। तक तो मुश्किल अंदाजा से भी कितने दिन हो गए? 15-20 दिन हो रहे होंगे। 15-20 दिन में जी आपको इतने बड़े चमत्कार मिल गए हैं, तो दुनिया का कोई गुरु ये कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना, तो इसीलिए समझ आ जाता है माँ परमात्मा है। ठीक है, जी चलो, ठीक है ठीक मैं ये अनुभव लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, अभी कर दूंगा जी। ये अनुभव, मैं शेयर करूंगा अपने समाज में। हाँ, आप शेयर करेंगे? अच्छा सबको भी, ठीक है सबको फायदा होना चाहिए ना। जी। सहयोग का मतलब ही ये होता है कि आपको सिर्फ अपना नहीं फायदा करना, सारे समाज का फायदा करना है। जितना आप दूसरों का भला करोगे उतना आपका भला होगा। मुझे लगता है कि दूसरों का भला करना एक घमंड है कि मैं बहुत भलाई अरे वाली भाई, हूँ। घमंड है नहीं है, सवाल नहीं है। अब मैंने तुम्हारा ये वीडियो दूसरे में शेयर करूंगा तो लोगों का भला होगा, इसमें घमंड शमंड की क्या बात हुई? अच्छा ठीक है जी इसमें घमंड थोड़ी हुआ, जी तो तुमने कुछ थोड़ी किया, ये तो माँ ने किया है ना तुम्हारे हाँ साथ, बिल्कुल तो फिर घमंड बिल्कुल तुम्हें किस लिए आएगा? वो तो माँ की शक्ति है जिसने तुम्हारे थ्रू काम किया, तो घमंड किस लिए आएगा? अब नहीं ये आएगा। रिकॉर्डिंग हो गई, ये रिकॉर्ड कर लिया, ये माँ की शक्ति से रिकॉर्ड हुआ, अब इसको मैं समाज में जनता के लिए भी दे दूंगा, तो ये फिर मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, तो ये तो हो रहा है ना चीजें, तो इसमें घमंड की कोई बात ही नहीं रही। ठीक जी है, ठीक है हमारा रोल फिर नहीं है ना इसमें, जीरो है, तो इसलिए घमंड वमंड कुछ नहीं होता है। चलो, मैं करता हूँ शेयर इसको। जी, बहुत धन्यवाद, प्रणाम।